वाला ब्लॉग भयंकर बहुत ही ज़्यादा लंबा हो गया है और इसको दो पार्ट में बनाऊंगा। बाकी देखते हैं जैसा बनता है, 30-30 मिनट का बना दूंगा, भयंकर लंबा चौड़ा। बना दिया यहाँ पे, लिप दिया, रात तक सूख भी जाएगा ये तो। ऑलरेडी आज फिलहाल यहाँ पे शाम की आरती हो रही है, चेक कर सकते हो। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ओम माया की गाय माता की, हरियाली माता की, उखराई माता की, त्रिपुरा बाला सुंदरी की, राजराजेश्वरी देवी की, इष्ट देवताओं की, पितृ देवताओं की, पवन पुत्र हनुमान की, श्रीमद देवी भागवत महापुराण की, परम पूज्य वेदाव्यास भगवान की, त्रिलक्ष कोटि देवताओं की, सनातन धर्म की, भक्त मंडली की। ओम नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। और आज पूरी रात कीर्तन हुए क्योंकि कल हवन है और कल लास्ट भी है, परसों क्योंकि डोली यहाँ से जाने और हमने यहाँ पे वो भी बनाए थे, यहाँ पे हवन कुंड ये देखो, तो ये कल के लिए हवन कुंड है। फिलहाल आज पूरे रात भर रखेंगे, कीर्तन करेंगे पूरी रात भर, चेक कर लेना। फिलहाल ये हमारे गाँव वाले नाच रहे, ये देखो बुआ लोग, चाची, और बस दो तीन दिन रह गया नवरात्रि खत्म होने में और हरियाली देवी की यात्रा, वापस जाएंगे हम, छोड़ने जाएंगे डोली को, तो ज़्यादा टाइम नहीं रह गया। फिर कल वो है क्या बोलते हैं, कलश यात्रा है, कल जल यात्रा सॉरी, और परसों हवन होगा। तो फिलहाल अभी लास्ट दिन एंजॉय कर रहे हैं, लेडीज़ पार्टी इस साइड है, बॉयज़ पार्टी उस साइड है। आज फिलहाल अभी दो दिन रह गए खत्म होने नवरात्रि, फिलहाल यहाँ सारे इकट्ठे होकर बैठ रखे और चेक कर लेना, बाकी अच्छी अच्छी फोटो आने वाली है। कल हवन है और कल सॉरी कलश यात्रा है, परसों हवन है, फिलहाल ये चेक कर लेना यहाँ से व्यू थोड़े बहुत।
जस्ट अभी हमने कीर्तन पूजा पूजा होगी, आरती होगी और यहाँ पे आप सारे खाना खुना खा रहे हैं हमारी गैंग, और यहाँ ये चेक कर सकते हो बस एक दो दिन की रौनक हो रहा है फिलहाल, उसके बाद तो भयंकर सब खत्म हो ही ना, मतलब कि उसके बाद कहाँ नवरात्रि खत्म होगी, डोली भी परसों चले जाएगी, बाकी आज खाना खा रहे साथ में बैठ के सारे, ये देखो फिलहाल अभी जस्ट खाना खुना खा के सारे ऊपर ही आए थे, और यहाँ पे डांस हो रहा है चेक कर सकते हो आप, वो देखो सारे डांस करने पर गए, बस एक दो दिन की रौनक है उसके बाद तो फिर भयंकर रौनक ही कहाँ, फिर मतलब कि अब पता नहीं कब होगा ऐसा टाइम मिलेगा सारे इकट्ठे होके आएंगे।